हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजीत कुमार की मस्ट वेटेड मूवी विश्वासम मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सा और कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो विश्वासम एक 2019 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिव ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू और अनिका सुरेंद्रन है। सत्य ज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 2017 को की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी मई 2018 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज़ हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। डी डॉट इमान ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता। थुक्कु दुराईथेनी में अपने गांव कोडुविलार पट्टी के प्रतिष्ठित मुख्य और व्यवसायी है। 10 वर्षों के बाद गांव के अय्यनार मंदिर में एक थिरुविज्जा होने वाला है, जब थुक्कु दुराई के प्रतिद्वंदी कोजीमुथु इसे होने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थुक्कु दुराई का घमंड उसे और उसके गुर्गों को डराता है, इसलिए थिरुविज्जा योजना के अनुसार होता है। हालांकि उनका परिवार और उनके दोस्त उनकी पत्नी और उनकी बेटी को देखने के लिए उत्सुक रहे हैं। बहुत विचार विमर्श के बाद थुक्कु दुराई ने उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। यात्रा के दौरान थुक्कु दुराई के चाचा मेरिटे और रोशमानी थुक्कु दुराई के वर्तमान जीवन से परेशान हैं और 10-12 साल पहले के लिए अपने जीवन को याद करते हैं। थुक्कु दुराई एक खुश मिजाज आदमी है और चावला मिल का मालिक हुआ करता था। मालिक जो समस्याओं से निपटने के लिए हिचक रहे तरीकों का उपयोग करते हैं। कुछ गुंडों का पीछा करते समय थुक्कु दुराई की मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है, जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करती है। जब थुक्कु दुराई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन बाद में आयुदयपन धारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुंडों से लड़ने के लिए बाद थुक्कु दुराई ने अपना खेत अपनी चावल मिल में स्थानांतरित कर दिया। निरंजना को थुक्कु दुराई के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है कि जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है। वह शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं, लेकिन निरंजना थुक्कु दुराई के झगड़ों में शामिल होने से परेशान है। जल्द ही वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे वह थुक्कु दुराई के लिए मना कर देती है। अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थुक्कु दुराई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है। उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में आयुदयपन, जो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है, थुक्कु दुराई के साथ झगड़ा करता है। निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थुक्कु दुराई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है। आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निरंजना थुक्कु दुराई पर क्रोधित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर आ जाती है। फ्लैशबैक के बाद थुक्कु दुराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है, जो जूनियर नेशनल 100 मीटर खिताब के लिए दावेदार है।
जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है। थुकुदुराई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चलता है चला कि प्रसिद्ध उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है, क्योंकि उनकी बेटी नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी। गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक है और हर चीज़ में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित वही हासिल करते थे। वह अपनी बेटी नेहा से भी यही उम्मीद करते हैं, जो श्वेता से मिलीसेकंड धीमी है। जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उससे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा, उसने डोपिंग का सहारा लिया जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला, जिसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और स्नेह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले 10 दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करेगा। इसलिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करेगा इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में खुलासा नहीं करेगा, जिससे वह अनिश्चय से सहमत हो जाती है। वह कई मौक़ों पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है। थुकुदुराई बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है कि दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतियोगिता से पहले थुकुदुराई को एक कार ने कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है। फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थुकुदुराई ठीक हो जाता है। श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है। प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थुकुदुराई से लड़ता है, जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थुकुदुराई श्वेता के पिता हैं। थुकुदुराई गौतम से लड़ता है, ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। श्वेता रेस जीत जाती है। जीत गई। उसी समय गौतम थुकुदुराई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुराई गौतम से कहते हैं कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं। श्वेता को विजेता घोषित किया गया। साथ ही निरंजना ने उसके नाम के साथ थुकुदुराई का नाम जोड़ा और वे थुकुदुराई के साथ फिर से जुड़ गई। थुकुदुराई के रूप में अजीत कुमार, नयनतारा निरंजना के रूप में थुकुदुराई की पत्नी, श्वेता थुकुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनीखा सुरेंद्रन, जगपति बाबू गौतम वीर के रूप में थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी, केशव के रूप में विवेक, थम्बी रमेट रोशमानी के रूप में रोबर्ट शंकर, मेरिट के रूप में फिलोमिना के रूप में कोई सरला, योगी बाबू वेलू के रूप में नेहा के रूप में सलोनी उमेश बर्डे, कलैरानी पेची अम्मल के रूप में थुकुदुराई की चाची के रूप में सुजाता शिवकुमार, थुकुदुराई की चाची के रूप में रजीता, थुकुदुराई की चाची के रूप में आर एन आर मनोहर, थुकुदुराई की दादी के रूप में चेनी अम्मा, जंगीरी मधुमिला थुकुदुराई की चचेरी बहन के रूप में, थुकुदुराई की दोस्त के रूप में रमेश थीलक, थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण, श्वेता के कोच के रूप में भारत रेड्डी, गौतम के निजी सहायक
के रूप में रवि प्रकाश और उदयप्पन के रूप में माइम गोपी, कोजी मुथु के रूप में ओक सुंदर, थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी नारायण, लकिन निरंजना के रूप सहयोगी प्रबंधक के रूप में निरंजना की सहकर्मी प्रिया के रूप में पापरी घोष, निरंजना की सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल, निरंजना के सहयोगी के रूप में टीएम कार्तिक, निरंजना के सहकर्मी के रूप में शर्मिला थापा, जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में, एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुरैराज, एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कोंडास्वामी, मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में, खादर के रूप में छत्रपति शेखर, थुकुदुराई के दोस्त कोजी मुथु के सहायक के रूप में संपत राम, एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश, डिसूजा एक पहलवान के रूप में रवि आवाना, एक कारपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसी, थुकुदुराई मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ, अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवाक और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा नवंबर 2017 में अंत में स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी डॉट इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था। बतौर अभिनेता यह योगी बाबू की 6वीं फिल्म होगी। मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स से काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई। यह अंतर 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया। साउंडट्रैक एल्बम डी डॉट इमान द्वारा रचित है, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग है। बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म्स मरजावा के लिए कॉपी किया गया था, जिसका निर्देशन मिलाप मिलना जावेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में थे। विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत अभिनेता अभिनीत पेट्टा के साथ थाई पोगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट राइट्स सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ से अधिक, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक की कमाई की, ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने भारत में 2 दिनों में 33.50 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन विशेष रूप से अजीत कुमार और जगपति बाबू, एक्शन दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक भागफल की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और पूर्वानुमानित कथानक की आलोचना की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, फिल्म अपने वर्णन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है, लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने लायक मनोरंजक फिल्म बनाती है। बिहाइंड वुड्स ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला प्रशंसकों को
संतुष्ट करने के लिए सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक किया गया है। फिल्म कंपेनियन ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, मुख्य धारा की बहुत सारी फिल्म निर्माता उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वासम के साथ शिव और अधिक करते हुए वह इस अपने स्टार के विश्वास और उसके प्रति दृढ़ता को सही ठहराते हुए पहला पद 5 में से 3 रेटिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है, विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है। बारिश में हिरन के लिए अंतराल लड़ाई का धमाकेदार दृश्य फिल्म के मुख्य आकर्षक में से एक है। एक जोड़ी के रूप में अजीत और शिवा ने फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी की है। फिल्म जिसके अपने मुद्दे के हैं, लेकिन फिर भी यह देखने में काफ़ी मनोरंजक है। इंडिया ग्लिट्स ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, विश्वासम शिव है अजीत कॉम्बो का परिवारों के लिए भावनात्मक पोंगल उपहार। सीफी ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, अजीत आकर्षक हैं और जबरदस्त फॉर्म में हैं। अभिनेता थुकू दुराई के रूप में सुपर ऊर्जावान दिखते हैं। विश्वासम इस पोंगल त्यौहार के लिए एक पक्का पारिवारिक मनोरंजन है, जाए और अपने परिवार के साथ आनंद ले। इंडिया टुडे ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है, एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विवेगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक सिरुथाई शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मार्ग पर वापस जाते हैं, लेकिन फिल्म उम्मीदों के साथ न्याय नहीं करती है और केवल कुछ हिस्सों में प्रभावशाली है। हमारी समीक्षा कहती है, द न्यूज़ मिनट ने 5 में से 2 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, विवेगम में पूर्वी यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को तमिलनाडु वापस लाते हैं और यह एक बुद्धिमान कदम साबित होता है। द हिंदू ने कहा, फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत के लिए बहुत कम पेशकश करती है। हिंदुस्तान टाइम्स 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा गया, हालांकि विचार दर्शकों को मधुर जीत के क्षण का एहसास कराना होता, लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल्स ने कहा, हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है, शिव ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बड़े स्टार थालाज अजीत के बारे में है। सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, निर्देशक शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है। इसके अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्य मूल्य पर काम करती है। विश्वासम इज इन 2019 इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शिवा। द फिल्म स्टार्स अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू एंड अनिखा सुरेंद्रन। प्रोड्यूस्ड बाय सत्य ज्योति फिल्म्स। द फिल्म वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन 20 नवंबर 2019 and principal 2017 and principal photography began in May 2018. The film was released on 10 January 2019 and performed well at the box office. The film received mixed reviews from critics. D. Imran won Best Music Director at the 67th National Film Awards. Ajit Kumar as Thuku Durai, Nayantara as Niranjana Thuku Durai's wife, Anika Surendran as Shweta Thuku Durai's and Niranjana's daughter, जगपति बाबू एज गौतम वीर थुकु दुराई राइवल, विवेक एज केशवन, थम्बी रमैया एज रोशमणि, रोबर शंकर एज मेरिट, कोवाई सरला एज फिलोमिना, योगी बाबू एज वेलू, सलोनी उमेश बुर्दे एज नेहा, कुलरानी एज पेंसिया माल थुकु दुराई आंट, सुजाता शिव कुमार एज थुकु दुराई आंट, राजिता एज थुकुदुराइज आंट, आर मनोहर एज थुकुदुराइज अंकल, चिनियामा एज थुकुदुराइज ग्रैंड मदर,
जंगीरी मधुमिथा एल थुकुदुराई कौशन कौजन रमेश तिलक एज थुकुदुराई फ्रेंड नमो नारायण एज थुकुदुराई फ्रेंड भारत रेड्डी एज श्वेता कुश सुरेखा वनी एज गौतम वाइफ रवि प्रकाश एज गौतम पर्सनल असिस्टेंट मैम गोपी मीमे गोपी एज आयुदयपन ओ ए के सुंदर एज कोजियमुत्तु थुकुदुराई राइवल नारायण लक्की एज निरंजनस कॉलीग मैनेजर पपरी घोष एज प्रिया निरंजनस कॉलीग साक्षी अग्रवाल एज निरंजनस कॉलीग टी एम कार्तिक एज निरंजनस कॉलीग शर्मिला थापा एज निरंजनस कॉलीग जॉर्ज मारिया एज पुलिस इंस्पेक्टर रामचंद्रन दुरैराज एज पुलिस कांस्टेबल हेलो कंदस्वामी एज अ पुलिस कांस्टेबल मिथ्यू वर्गीस एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर छत्रपति शेखर एज खाडर थुकुदुराई फ्रेंड संपत राम एज होजियामुत्तुस एड मिसाई रमेश एज अ विलेजर रवि अवानास डिसूजा एज डिसूजाज अ रेस्लर टेम्पर वामसी एज अ कॉर्पोरेट ऑफिशियल साई सिद्धार्थ एज अ थुकुदुराई फ्रेंड द कोलैबोरेशन बिटवीन सत्यज्योति फिल्म डायरेक्टर शिवा एंड एक्टर अजीत कुमार वॉज अनाउंस्ड व्यू द स्टूडियोज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इन लेट नवंबर 2017 After month of speculation on Ajit Kumar's next project, Nayanthara was announced as the lead actress in early February 2018. D. Iman was signed on to work as the film's music composer, which marked his first collaboration with Ajit Kumar and Shiva. This will be Yogi Babu's 100th film as an actor. Principal photography was supposed to begin on 23rd March 2018, but was pushed back significantly to the Tamil Film Producers Council's strike. It eventually began on 7th May to 8 Hyderabad and wrapped in November 2018 and released for Pongal 2019. The soundtrack album is composed by D. Iman, making his first collaboration with Ajit Kumar and Shiva. The background music was copied for the Bollywood film Marzava, directed by Milap Milan Jhaveri and starring Siddharth Malhotra, Tara Sutaria and Ritesh Deshmukh in lead roles. Vishwasam was released on 10th January 2019, coinciding with the occasion of Thai Pongal festival along with Rajinikanth and Starer Petta. The film was released on digital platform Amazon Prime Video on 25th February 2019. The satellite rights were sold to Sun Network. The film collected more than 15 crore in Tamil Nadu, 2 crore in Kerala, more than 1.5 crore in Karnataka, 1 crore in rest of India, more than 7 crore in overseas, and with a total of 25.4 crore in the first day. The film collected 33.50 crore in India in 2 days. The film collected 180 crore worldwide in 3 weeks. The film received mixed reviews, praising the performances, particularly Ajit Kumar and Jagapati Babu. Action sequence and soundtrack, film score and emotional question, but criticism for the direction, screenplay and predictable plot. The Times of India rated 3 out of 5, stating the film follows the regular template in its narration and changes track at a point, keeping in mind to reach all sections of audience. The plot also becomes predictable once the real story unfolds, but the lack of evident flaws make it a one-time watch entertainer. Behind Roots rated 3 out of 5, stating Vishwasam is packed with right commercial element to satisfy the family audience and Thala fans. The film companion rated 3 out of 5, stating a lot of mainstream filmmaking is about finding new ways to tell the same old story with Vishwasam. Shiva does more, he justifies his star's faith in and perseverance with him. First post rated 3 out of 5, stating Vishwasam has several moments worth paying a visit to the theater. The bang for the buck interval fight sequence in the rain is one of the highlights of the film. As a pair, Ajit and Shiva make a strong comeback with the film, which has its issues, but makes work quite an entertaining watch anyway. India Glitz rated 3 out of 5, stating Vishwasam is a Shiva Ajit combos emotional pongal treat for families. Sifi rated 3 out of 5, stating Ajit is enduring and is in tremendous form, that the actor looks super energetic as Thukudurai.
विश्वासम इज अ पुक्का फैमिली इंटरटेनर फॉर दिस पोंगल फेस्टिवल. गो एंड एंजॉय विथ योर फैमिली. इंडिया टुडे रेटेड 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार स्टेटिंग आफ्टर टर्निंग आउट एन अंडरवेलमिंग स्पाई थ्रिलर विवेगम अजीत एंड डायरेक्टर सिरु थाई शिवा गो बैक टू द रूरल रूट विथ विश्वासम बट द फिल्म डज नॉट डू जस्टिस टू एक्सपेक्टेशंस एंड इज इम्प्रेसिव ओनली इन पार्ट्स सेज आवर रिव्यू. द न्यूज मिनट रेटेड 2 out of 5 स्टार्स स्टेटिंग आफ्टर टूरिंग ईस्टर्न यूरोप इन विवेगम शिवा ब्रिंग्स अजीत बैक टू तमिलनाडु एंड इट प्रूव्स टू बी अ वाइज मूव. द हिंदू स्टेटेड द प्रॉब्लम विद द फिल्म इज दैट इट ऑफर्स वेरी लिटल फॉर अजीत. द स्टार हिंदुस्तान टाइम्स रेटेड 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स रेस्टेटिंग वेल द आइडिया वुड हैव बीन टू मेक ऑडियंस फील द मोमेंट ऑफ स्वीट विक्ट्री ऑल इट डज इट रूइन द पैलेट फॉर दोज हु एंजॉय अ गुड कमर्शियल फिल्म. डेक्कन क्रॉनिकल स्टेटेड थॉट देयर इज नथिंग न्यू बाय वे ऑफ स्टोरी शिवा हैज मेड अ मूविंग दैट इज ऑल अबाउट अ मेगा स्टार थाला अजीत. सिनेमा एक्सप्रेस रेटेड 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार स्टेटिंग डायरेक्टर शिवास बिगेस्ट अचीवमेंट इज गिविंग अस एन अजीत हु इज हैविंग फन ऑन स्क्रीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपार्ट फ्रॉम विच द फिल्म मेनली वर्क्स ऑन सरप्राइज वैल्यू. अजीत कुमार जन्म 1 मई 1971 एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं. आज तक उन्होंने 61 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनके पुरस्कारों में 4 विजय पुरस्कार, 3 सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल हैं. अपने अभिनय करियर के अलावा अजीत एक स्पोर्ट्स कार रेसर भी है और उन्हें MMA रेटिंग सीरीज 2010 में भाग लिया था. वह एक रेस कार ड्राइवर बन गया. भारत भर में मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे स्थानों में सर्किट में प्रतिस्पर्धों व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र और फार्मूला चैंपियनशिप में दौड़ लगाने वाले बहुत कम भारतीय में से एक हैं. भारतीय मशहूर हस्तियों की सालाना कई कमाई के आधार पर उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में 3 बार शामिल किया गया था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1990 के तमिल रोमांटिक ड्रामा एन विदु एन कनावर्क में एक छोटी सी भूमिका से की. उन्होंने खुद को काधल कोट्टरई 1996 अवल और वरुवाला 1998 और काधल मन्नन 1998 के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया और फिल्म अमर कलाम 1999 में से शुरुआत करके खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया. एस जे सूर्या की वैली 1999 में अजीत के जुड़वा भाइयों के दोहरे चित्रण जहां एक बहरा मुख है ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया. उन्होंने विजिलेंट फिल्म सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की. 2006 में उन्होंने वरलारू में अभिनय किया जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई. यह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का एक और फिल्मफेयर पुरस्कार मिला. अगले वर्ष उन्होंने 2 रीमेक किरीडम 2007 और बिल्ला 2007 में अभिनय किया. दोनों ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की. अजीत ने मन कथा 2011 में एक ईटी होरू की भूमिका निभाई जो अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई. उनकी अगली रिलीज बिल्ला 2 2012 तमिल सिनेमा की पहली प्रीक्वल थी. अजीत जर्मनी और मलेशिया सहित विभिन्न दौड़ों के लिए विदेश भी गए हैं. उन्होंने 2003 फार्मूला एशिया BMW चैंपियनशिप में गाड़ी चलाई. उन्होंने 2010 फार्मूला 2 चैंपियनशिप में 2 अन्य भारतीय अरमान इब्राहिम और
पार्थिवा सुरेश्वरन के साथ दौड़ लगाई के खिलाफ मामला दर्ज करती है। जब थुकुदुराई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन बाद में आयुदयपन धारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुंडों से लड़ने के लिए बाद थुकुदुराई ने अपना खेत अपनी चावल मिल में स्थानांतरित कर दिया। निरंजना को थुकुदुराई के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है कि जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है। वह शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन निरंजना थुकुदुराई के झगड़ों में शामिल होने से परेशान हो है। जल्द ही वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे वह थुकुदुराई के लिए मना कर देती है। अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थुकुदुराई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है। उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में आयुदयपन, जो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है, थुकुदुराई के साथ झगड़ा करता है। निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थुकुदुराई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है। आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है। लेकिन निरंजना थुकुदुराई पर क्रोधित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर आ जाती है। फ्लैशबैक के बाद थुकुदुराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है, जो जूनियर नेशनल 100 मीटर खिताब के लिए दावेदार है। जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है। थुकुदुराई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चलता है चला कि प्रसिद्ध उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है, क्योंकि उनकी बेटी नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी। गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक है और हर चीज़ में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित वही हासिल करते थे। वह अपनी बेटी नेहा से भी यही उम्मीद करते हैं, जो श्वेता से मिलीसेकंड धीमी है। जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उससे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा, उसने डोपिंग का सहारा लिया, जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला, जिसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और स्नेह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले 10 दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करेगा। इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में खुलासा नहीं करेगा, जिससे वह अनिश्चय से सहमत हो जाती है। वह कई मौक़ों पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है। थुकुदुराई बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है कि दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतियोगिता से पहले थुकुदुराई को एक कार ने कुचल दिया और उसकी हालत
गंभीर है। फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थुकुदुराई ठीक हो जाता है। श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है। प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थुकुदुराई से लड़ता है, जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थुकुदुराई श्वेता के पिता हैं। थुकुदुराई गौतम से लड़ता है, ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। श्वेता रेस जीत जाती है, जीत गई। उसी समय गौतम थुकुदुराई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुराई गौतम से कहते हैं कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता-पिता क्या चाहते हैं। श्वेता को विजेता घोषित किया गया। साथ ही निरंजना ने उसके नाम के साथ थुकुदुराई का नाम जोड़ा और वे थुकुदुराई के साथ फिर से जुड़ गई। थुकुदुराई के रूप में अजीत कुमार, नयनतारा निरंजना के रूप में थुकुदुराई की पत्नी, श्वेता थुकुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनीखा सुरेंद्रन, जगपति बाबू गौतम वीर के रूप में थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी, केशव के रूप में विवेक, थंबी रमेट रोशमी रोशमानी के रूप में रोबो शंकर, मेरिट के रूप में फिलोमिना के रूप में कोई सरला, योगी बाबू वेलू के रूप में नेहा के रूप में सलोनी उमेश बर्डे, कलैरानी पेची अम्मल के रूप में थुकुदुराई की चाची के रूप में सुजाता शिवकुमार, थुकुदुराई की चाची के रूप में रजिता, थुकुदुराई की चाची के रूप में आर आर एन आर मनोहर, थुकुदुराई की दादी के रूप में चेनी अम्मा, जंगीरी मधुमिला, थुकुदुराई की चचेरी बहन के रूप में, थुकुदुराई की दोस्त के रूप में रमेश थीलक, थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण, थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण, श्वेता के कोच के रूप में भरत रेड्डी, गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकाश, अवुदयप्पन के रूप में माइम माइम गोपी, कोजी मुथु के रूप में ओक सुंदर, थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी नारायण लकी, निरंजना के रूप सहयोगी प्रबंधक के रूप में निरंजना की सहकर्मी प्रिया के रूप में पापरी घोष, निरंजना की सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल, निरंजना के सहयोगी के रूप में टीएम कार्तिक, निरंजना की सहकर्मी के रूप में शर्मिला थापा, जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में, एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुरई राज, एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कोंडा सामी, मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में, खादर के रूप में छत्रपति शेखर, थुकुदुराई के दोस्त कोसी मुथु के सहायक के रूप में संपत राम, एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश, डिसूजा एक पहलवान के रूप में रवि आवाना, एक कारपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसी, थुकुदुराई मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ, अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवाक और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा नवंबर 2017 में अंत में स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी डॉट इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था। बतौर अभिनेता यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होगी। मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स से काउंसिल की हड़ताल के कारण
इसमें काफ़ी देरी हुई। यह अंतर 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया। साउंड ट्रैक एल्बम डी डट ईमान द्वारा रचित है, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग है। बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म मर्जावा के लिए काफ़ी कॉपी किया गया था, जिसका निर्देशन मिलाप मिलना जावेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में थे। विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत अभिनेता अभिनीत पेट्टा के साथ थाई पोंगल त्योहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट राइट सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ से अधिक, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक की कमाई की। ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने भारत में 2 दिनों में 33.50 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन विशेष रूप से अजीत कुमार और जगपति बाबू, एक्शन दृश्यों, साउंड ट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक भागफल की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और पूर्वानुमानित कथानक की आलोचना की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, फिल्म अपने वर्णन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है, लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने लायक मनोरंजक फिल्म बनाती है। बिहाइंड वुड्स ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक किया गया है। फिल्म कंपेनियन ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, मुख्य धारा की बहुत सारी फिल्म निर्माता उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वासम के साथ शिव और अधिक करते हुए वह इस अपने स्टार के विश्वास और उसके प्रति दृढ़ता को सही ठहराते हुए पहला पद 5 में से 3 रेटिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है, विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है। बारिश में हिरन के लिए अंतराल लड़ाई का धमाकेदार दृश्य फिल्म के मुख्य आकर्षक में से एक है। एक जोड़ी के रूप में अजीत और शिवा ने फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी की है। फिल्म जिसके अपने मुद्दे के हैं, लेकिन फिर भी यह देखने में काफ़ी मनोरंजक है। इंडिया ग्लिट्स ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, विश्वासम शिव है अजीत कम्बो का परिवारों के लिए भावनात्मक पोंगल उपहार। सीफी ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, अजीत आकर्षक है और जबरदस्त फॉर्म में है। अभिनेता थुकु दुराई के रूप में सुपर ऊर्जावान दिखते हैं। विश्वासम इस पोंगल त्योहार के लिए एक पक्का पारिवारिक मनोरंजन है, जाए और अपने परिवार के साथ आनंद ले। इंडिया टुडे ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है, एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विवेगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक सिरुथाई शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मार्ग पर वापस जाते हैं, लेकिन फिल्म उम्मीदों के साथ न्याय नहीं करती है और केवल कुछ हिस्सों में प्रभावशाली है। हमारी समीक्षा कहती है, द न्यूज़ मिनट ने 5 में से 2 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, विवेगम में पूर्वी यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को तमिलनाडु वापस लाते हैं और यह एक बुद्धिमान कदम साबित होता है। द हिंदू ने
कहा, फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत के लिए बहुत कम पेशकश करती है। हिंदुस्तान टाइम्स 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा गया। हालांकि विचार दर्शकों को मधुर जीत के क्षण का एहसास कराना होता, लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल्स ने कहा, हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है, शिव ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बड़े स्टार थाला अजीत के बारे में है। सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, निर्देशक शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है। इसके अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्य मूल्य पर काम करती है। विश्वासम इज इन 2019 इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शिवा। द फिल्म स्टार्स अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू एंड अनिखा सुरेंद्रन। प्रोड्यूस्ड बाय सत्य ज्योति फिल्म्स। द फिल्म वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन 20 नवंबर 2019 एंड प्रिंसिपल 2017 एंड प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगन इन मे 2018। द फिल्म वाज रिलीज्ड ऑन 10 जनवरी 2019 एंड परफॉर्मड वेल एट द बॉक्स ऑफिस। द फिल्म रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स। डी डटिमान वोन बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अजीत कुमार एज थुक्कुदुरई, नयनतारा एज निरंजना थुक्कुदुराईज वाइफ, अनिखा सुरेंद्रन एज श्वेता थुक्कुदुराईज निरंजनास डॉटर, जगपति बाबू एज गौतम वीर थुक्कुदुराईज राइवल, विवेक एज केशवन, थम्बी रमैया एज रोशमणि, रोबर्ट शंकर एज मेरिट, कोवाई सरला एज फिलोमिना, योगी बाबू एज वेलू, सलोनी उमेश बुर्दे एज नेहम, कुलैरानी एज पेंसिया माल थुक्कुदुराईज आंट, सुजाता शिव कुमार एज थुक्कुदुराईज आंट, राजिता एज थुक्कुदुराईज आंट, आर एन आर मनोहर एज थुक्कुदुराईज अंकल, चिनियामा एज थुक्कुदुराईज ग्रैंड मदर, जंगीरी मधुमिथा एज थुक्कुदुराईज कौजन, रमेश तिलक एज थुक्कुदुराईज फ्रेंड, नमो नारायण एज थुक्कुदुराईज फ्रेंड, भारत रेड्डी एज श्वेता स्कूस, सुरेखा वनी एज गौतम स्वाइफ, रवि प्रकाश एज गौतम पर्सनल असिस्टेंट, मीमे गोपी एज आयुदयपन, ओ ए के सुंदर एज कोजियमुत्तु थुक्कुदुराईज राइवल, नारायण लक्की एज निरंजनस कॉलीग मैनेजर, पपरी घोष एज प्रिया निरंजनस कॉलीग, साक्षी अग्रवाल एज निरंजनस कॉलीग, टी एम कार्तिक एज निरंजनस कॉलीग, शर्मिला थापा एज निरंजनस कॉलीग, जॉर्ज मारिया एज पुलिस इंस्पेक्टर, रामचंद्रन दुरैराज एज पुलिस कांस्टेबल, हेलो कंदस्वामी एज अ पुलिस कांस्टेबल, मिथ्यू वर्गीस एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, छत्रपति शेखर एज खाडर थुक्कुदुराईज फ्रेंड, संपत राम एज होजियामुत्तुस एड, मिसाई रमेश एज अ विलेजर, रवि अवानास डिसूजा एज डिसूजाज अ रेस्लर, टेम्पर वामसी एज अ कॉर्पोरेट ऑफिशियल, साई सिद्धार्थ एज अ थुक्कुदुराईज फ्रेंड। द कोलैबोरेशन बिटवीन सत्य ज्योति फिल्म डायरेक्टर शिवा एंड एक्टर अजीत कुमार वॉज अनाउंस्ड व्यू द स्टूडियोज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इन लेट नवंबर 2017 आफ्टर मंथ ऑफ स्पेकुलेशन ऑन अजीत कुमार्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट। नयनतारा वॉज अनाउंस्ड एज द लीड एक्ट्रेस इन अर्ली फेब्रुवरी 2018। डी ईमान वॉज साइंड ऑन टू वर्क एज द फिल्म म्यूजिक कंपोजर विथ मार्केट हिज फर्स्ट कोलैबोरेशन विथ अजीत कुमार एंड शिवा। This will be Yogi Babu's 100th film as an actor. Principal photography was supposed to begin on 23rd March 2018, but was pushed back significantly to the Tamil Film Producers Council's strike. It eventually began on 7th May at Hyderabad and wrapped in November 2018 and released for Pongal 2019. The soundtrack album is composed by D. Iman, making his first collaboration with Ajit Kumar and Shiva. The background music was copied for the Bollywood film Marzawa, directed by Milap Milan Jhaveri.
एंड स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया एंड रितेश देशमुख इन लीड रोल्स। विश्वासम वॉज रिलीज्ड ऑन 10th January 2019 कोइंसिडिंग विद द ओकेजन ऑफ थाई पोंगल फेस्टिवल अलॉन्ग विद रजनीकांत एंड स्टारर पेट्टा। द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ऑन 25th February 2019। द सेटेलाइट राइट्स वेर सोल्ड टू सन नेटवर्क। द फिल्म कलेक्टेड मोर देन 15 crore इन तमिलनाडु, 2 crore इन केरला, मोर देन 1.5 crore इन कर्नाटक, 1 crore इन रेस्ट ऑफ इंडिया, मोर देन 7 crore इन ओवरसीज एंड विथ अ टोटल ऑफ 25.4 crore इन फर्स्ट डे। द फिल्म कलेक्टेड 33.50 crore इन इंडिया इन 2 days। द फिल्म कलेक्टेड 180 crore वर्ल्ड वाइड इन 3 weeks। द फिल्म रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज प्रेजिंग द परफॉर्मेंसेज, पार्टिकुलरली अजीत कुमार एंड जगपति बाबू। एक्शन सिक्वेंस एंड साउंड ट्रैक, फिल्म स्कोर एंड इमोशनल क्वेश्चन, बट क्रिटिसिजम फॉर द डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले एंड प्रेडिक्टेबल प्लॉट। द टाइम्स ऑफ इंडिया रेटेड 3 out of 5 स्टेटिंग द फिल्म फॉलोज द रेगुलर टेम्पलेट इन इट्स नरेशन एंड चेंजेस ट्रैक एट अ पॉइंट, कीपिंग इन अ माइंड टू रीच ऑल सेक्शन ऑफ ऑडियंस। द प्लॉट ऑल्सो बिकम्स प्रेडिक्टेबल वंस द रियल स्टोरी अनफोल्ड्स, बट द लेक ऑफ एविडेंट फ्लोज मेक इट अ वन टाइम वॉच एंटरटेनर। Behind which rated 3 out of 5 stating, Vishwasam is packed with right commercial element to satisfy the family audience and Thala fans. The film companion rated 3 out of 5 stating, a lot of mainstream filmmaking is about finding new ways to tell the same old story. With Vishwasam, Shiva does more. He justifies his star's faith in and perseverance with him. First post rated 3 out of 5 stating, Vishwasam has several moments worth paying a visit to the theater. The bang for the buck interval fight sequence in the rain is one of the highlights of the film, as a pair Ajit and Shiva make a strong comeback with the film, which has its issues but makes for quite an entertaining watch anyway. India Glitch rated 3 out of 5 stating, Vishwasam is a Shiva Ajit combos emotional pongal treat for families. Sifi rated 3 out of 5 stating, Ajit is enduring and is in tremendous form, that the actor looks super energetic as Thuku Durai. Vishwasam is a pukka family entertainer for this pongal festival. Go and enjoy with your family. India Today rated 2.5 out of 5 stars stating, after churning out an underwhelming spy thriller Vivegam, Ajit and director Siruthai Shiva go back to the rural route with Vishwasam, but the film does not do justice to expectations and is impressive only in parts, says our review. The News Minute rated 2 out of 5 stars stating, after touring Eastern Europe in Vivegam, Shiva brings Ajit back to Tamil Nadu and it proves to be a wise move. The Hindu stated, the problem with the film is that it offers very little for Ajit, the star. Hindustan Times rated 1.5 out of 5 stars, restating, while the idea would have been to make audience feel the moment of sweet victory, all it does is ruin the palate for those who enjoy a good commercial film. Deccan Chronicle stated, there's nothing new by way of story. Shiva has made a movie that is all about a male star, Thala Ajit. Cinema Express rated 2.5 out of 5 stars stating, director Shiva's biggest achievement is giving us an Ajit who is having fun on screen after a long time, apart from which the film mainly works on surprise value. Ajit Kumar, जन्म 1 मई 1971 एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। आज तक उन्होंने 61 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनके पुरस्कारों में 4 विजय पुरस्कार, 3 सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। अपने अभिनय करियर के अलावा अजीत एक स्पोर्ट्स कार रेसर भी है और उन्हें MMA रेटिंग सीरीज 2010 में भाग लिया था। वह एक रेस कार ड्राइवर बन गया। भारत भर में
मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे स्थानों में सर्किट में प्रतिस्पर्धियों व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र और फार्मूला चैंपियनशिप में दौड़ लगाने वाले बहुत कम भारतीयों में से एक हैं। भारतीय मशहूर हस्तियों की सालाना कई कमाई के आधार पर उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में 3 बार शामिल किया गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1990 के तमिल रोमांटिक ड्रामा एन वीदू एन कनावर में एक छोटी सी भूमिका से की। उन्होंने खुद को काधल कोट्टाई 1996, अवल और वरुवाला 1998 और काधल मन्नन 1998 के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया और फिल्म अमर कलाम 1999 में से शुरुआत करके खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। एस जे सूर्या की वैली 1999 में अजीत के जुड़वा भाइयों के दोहरे चित्रण जहां एक बहरा मुख है ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने विजिलेंट फिल्म सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। 2006 में उन्होंने वल्लारू में अभिनय किया जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग कुछ गुंडों का पीछा करते समय थुकुदुराई की मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करती है। जब थुकुदुराई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन बाद में आयुदयपन धारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुंडों से लड़ने के लिए बाद थुकुदुराई ने अपना खेत अपनी चावल मिल में स्थानांतरित कर दिया। निरंजना को थुकुदुराई के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है कि जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है। वह शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं, लेकिन निरंजना थुकुदुराई के झगड़ों में शामिल होने से परेशान हो है। जल्द ही वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे वह थुकुदुराई के लिए मना कर देती है। अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थुकुदुराई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है। उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में आयुदयपन जो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है थुकुदुराई के साथ झगड़ा करता है। निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थुकुदुराई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है। आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच्चे बच जाती है, लेकिन निरंजना थुकुदुराई पर क्रोधित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर आ जाती है। फ्लैशबैक के बाद थुकुदुराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल 100 मीटर खिताब के लिए दावेदार है। जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है। थुकुदुराई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चलता है चला कि प्रसिद्ध उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है, क्योंकि उनकी बेटी नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी। गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक है और हर चीज़ में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित वही हासिल करते थे।
वो अपनी बेटी नेहा से भी यही उम्मीद करते हैं जो श्वेता से मिली सेकंड धीमी है। जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उससे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा, उसने डोपिंग का सहारा लिया जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला, जिसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और स्नेह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले 10 दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करेगा। इसलिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करेगा इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में खुलासा नहीं करेगा, जिससे वह अनिश्चय से सहमत हो जाती है। वह कई मौक़ों पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है। थुकुदुराई बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है कि दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतियोगिता से पहले थुकुदुराई को एक कार ने कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है। फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थुकुदुराई ठीक हो जाता है। श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है। प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल हो थुकुदुराई से लड़ता है, जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थुकुदुराई श्वेता के पिता हैं। थुकुदुराई गौतम से लड़ता है, ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। श्वेता रेस जीत जाती है। श्वेता रेस जीत जाती है, जीत गई। उसी समय गौतम थुकुदुराई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुराई गौतम से कहते हैं कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं। श्वेता को विजेता घोषित किया गया। साथ ही निरंजना ने उसके नाम के साथ थुकुदुराई का नाम जोड़ा और वे थुकुदुराई के साथ फिर से जुड़ गए। थुकुदुराई के रूप में अजीत कुमार, नयनतारा निरंजना के रूप में थुकुदुराई की पत्नी, श्वेता थुकुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखा सुरेंद्रन, जगपति बाबू गौतम वीर के रूप में थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी, केशव के रूप में विवेक, थंबी रमैट रोशमी रोशमानी के रूप में रोबर शंकर, मेरिट के रूप में फिलोमिना के रूप में कोई सरला, योगी बाबू वेलू के रूप में नेहा के रूप में सलोनी उमेश बर्डे, कलैरानी पेची अम्मल के रूप में थुकुदुराई की चाची के रूप में सुजाता शिवकुमार, थुकुदुराई की चाची के रूप में रजीता, थुकुदुराई की चाची के रूप में आर एन आर मनोहर, थुकुदुराई की दादी के रूप में चेनी अम्मा, जंगीरी मधुमिला, थुकुदुराई की चचेरी बहन के रूप में, थुकुदुराई की दोस्त के रूप में रमेश थीलक, थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण, थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण, श्वेता के कोच के रूप में भरत वरेडी, गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकाश, अउदयप्पन के रूप में माइम माइम गोपी, कोजी मुथु के रूप में ओक सुंदर, थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी नारायण लकिन, निरंजना के रूप सहयोगी प्रबंधक के रूप में निरंजना की सहकर्मी प्रिया के रूप में पापरी घोष, निरंजना की सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल, निरंजना के सहयोगी के रूप में टीएम कार्तिक, निरंजना की सहकर्मी के रूप में शर्मिला थापा, जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में
एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुराईराज, एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कोंडासामी मैथ्यू वर्गीस, एक जिला कलेक्टर के रूप में खादर के रूप में छत्रपति शेखर, थुगुदुराई के दोस्त कोसी मुथु के सहायक के रूप में संपत राम, एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश, डिसूजा एक पहलवान के रूप में रवि आवाना, एक कारपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसी, थुकुदराई मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ, अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा नवंबर 2017 में अंत में स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी डॉट इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था। बतौर अभिनेता यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होगी। मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स से काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई। यह अंतर 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया। साउंडट्रैक एल्बम डी डॉट ईमान द्वारा रचित है, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग है। बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म्स मर्जावा के लिए कॉपी किया गया था, जिसका निर्देशन मिलाप मिलना जावेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में थे। विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत अभिनेता अभिनीत पेट्टा के साथ थाई पोगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट राइट सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ से अधिक, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक की कमाई की, ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने भारत में 2 दिनों में 33.50 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म का प्रदर्शन विशेष रूप से अजीत कुमार और जगपति बाबू, एक्शन दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक भागफल की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और पूर्वानुमानित कथानक की आलोचना की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, फिल्म अपने वर्णन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है, लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने लायक मनोरंजक फिल्म बनाती है। बिहाइंड उच्च ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक किया गया है। फिल्म कंपेनियन ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, मुख्य धारा की बहुत सारी फिल्म निर्माता उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वासम के साथ शिव और अधिक करते हुए वह इस अपने स्टार के विश्वास और उसके प्रति दृढ़ता को सही ठहराते हुए पहला पद 5 में से 3 रेटिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है, विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है। बारिश में हिरन
के लिए अंतराल लड़ाई का धमाकेदार दृश्य फिल्म के मुख्य आकर्षक में से एक है। एक जोड़ी के रूप में अजीत और शिवा ने फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी की है। फिल्म जिसके अपने मुद्दे के हैं, लेकिन फिर भी यह देखने में काफ़ी मनोरंजक है। इंडिया ग्लिट्स ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, विश्वासम शिव है अजीत कॉम्बो का परिवारों के लिए भावनात्मक पोंगल उपहार। सीफी ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, अजीत आकर्षक हैं और जबरदस्त फॉर्म में हैं। अभिनेता थुकू दुराई के रूप में सुपर ऊर्जावान दिखते हैं। विश्वासम इस पोंगल त्यौहार के लिए एक पक्का पारिवारिक मनोरंजन है, जाए और अपने परिवार के साथ आनंद ले। इंडिया टुडे ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है, एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विवेगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक सिरुथाई शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मार्ग पर वापस जाते हैं, लेकिन फिल्म उम्मीदों के साथ न्याय नहीं करती है और केवल कुछ हिस्सों में प्रभावशाली है। हमारी समीक्षा कहती है, द न्यूज़ मिनट ने 5 में से 2 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, विवेगम में पूर्वी यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को तमिलनाडु वापस लाते हैं और यह एक बुद्धिमान कदम साबित होता है। द हिंदू ने कहा, फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत के लिए बहुत कम पेशकश करती है। हिंदुस्तान टाइम्स 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा गया, हालांकि विचार दर्शकों को मधुर जीत के क्षण का एहसास कराना होता, लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल्स ने कहा, हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है, शिव ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बड़े स्टार थालाज अजीत के बारे में है। सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, निर्देशक शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है। इसके अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्य मूल्य पर काम करती है। विश्वासम इज इन 2019 इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शिवा। द फिल्म स्टार्स अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू एंड अनिखा सुरेंद्रन। प्रोड्यूस्ड बाय सत्यज्योति फिल्म्स। द फिल्म वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन 20 नवंबर 2019 एंड प्रिंसिपल 2017 एंड प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगन इन मे 2018। द फिल्म वाज रिलीज्ड ऑन 10 जनवरी 2019 एंड परफॉर्म्ड वेल एट द बॉक्स ऑफिस। द फिल्म रिसीव्ड मिक्स रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स। डी डटिमान वोन बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अजीत कुमार एज थुकू दुराई, नयनतारा एज निरंजना थुकू दुराईज वाइफ, अनिखा सुरेंद्रन एज श्वेता थुकू दुराईज एंड निरंजनाज डॉटर, जगपति बाबू एज गौतम वीर थुकू दुराईज राइवल, विवेक एज केशवन, थम्बी रमैया एज रोशमणि, रोबर शंकर एज मेरिट, कोवाई सरला एज फिलोमिना, योगी बाबू एज वेलू, सलोनी उमेश बुर्दे एज नेहा, कुलैरानी एज पेंसिया माल थुकू दुराईज आंट, सुजाता शिव कुमार एज थुकू दुराईज आंट, राजिता एज थुकू दुराईज आंट, आर एन आर मनोहर एज थुकू दुराईज अंकल, चिनियामा एज थुकू दुराईज ग्रैंड मदर, जंगीरी मधुमिथा एज थुकू दुराईज कजन, रमेश तिलक एज थुकू दुराईज फ्रेंड, नमो नारायण एज थुकू दुराईज फ्रेंड, भारत रेड्डी एज श्वेता कुश, सुरेखा वनी एज गौतम स्वाइफ, रवि प्रकाश एज गौतम पर्सनल असिस्टेंट, मीमे गोपी एज आयुदयपन, ओ ए के सुंदर एज कोजियमुत्तु थुकू दुराईज राइवल, नारायण लक्की एज निरंजनस कॉलीग मैनेजर, पपरी घोष एज प्रिया निरंजनस कॉलीग, साक्षी अग्रवाल एज निरंजनस कॉलीग,
टीएम कार्तिक एज निरंजनास कॉलिक, शर्मिला थापा एज निरंजनास कॉलिक, जॉर्ज मारिया एज पुलिस इंस्पेक्टर, रामचंद्रन दुरैराज एज पुलिस कांस्टेबल, हेलो कंदस्वामी एज अ पुलिस कांस्टेबल, मिथ्यू वर्गीस एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, छत्रपति शेखर एज खाडर थुकुदुराई स्प्रेड, संपत राम एज खोजियामुत्तुस एड मिसाई रमेश एज अ विलेजर, रवि अवाना डिसूजा एज डिसूजा अरेस्टलर, टेम्पर वामसी एज अ कॉर्पोरेट ऑफिशियल, साई सिद्धार्थ एज अ थुकुदुराई स्प्रेड। द कोलैबोरेशन बिटवीन सत्यज्योति फिल्म डायरेक्टर शिवा एंड एक्टर अजीत कुमार वॉज अनाउंस्ड व्यू द स्टूडियोज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इन लेट नवंबर 2017 आफ्टर मंथ ऑफ स्पेकुलेशन ऑन अजीत कुमार्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट। नयनतारा वॉज अनाउंस्ड एज द लीड एक्ट्रेस इन अर्ली फेब्रुवरी 2018। डी ईमान वॉज साइंड ऑन टू वर्क एज द फिल्म म्यूजिक कंपोजर विथ मार्केट हिज फर्स्ट कोलैबोरेशन विथ अजीत कुमार एंड शिवा। This will be Yogi Babu's 100th film as an actor. Principal photography was supposed to begin on 23rd March 2018, but was pushed back significantly to the Tamil Film Producers Council's strike. It eventually began on 7th May to 8th Hyderabad and wrapped in November 2018 and released for Pongal 2019. The soundtrack album is composed by D. Iman, making his first collaboration with Ajit Kumar and Shivam. The background music was copied for the Bollywood film Marzava, directed by Milap Milan Jhaveri and starring Siddharth Malhotra, Tara Sutaria and Ritesh Deshmukh in lead roles. Vishwasam was released on 10th January 2019, coinciding with the occasion of Thai Pongal festival along with Rajinikanth and starred Petta. The film was released on digital platform Amazon Prime Video on 25th February 2019. The satellite rights were sold to Sun Network. The film collected more than 15 crore in Tamil Nadu, 2 crore in Kerala, more than 1.5 crore in Karnataka, 1 crore in rest of India, more than 7 crore in overseas, and with a total of 25.4 crore in the first day. The film collected 33.50 crore in India in 2 days. The film collected 180 crore worldwide in 3 weeks. The film received mixed reviews praising the performances, particularly Ajit Kumar and Jagapati Babu. Action sequences, soundtrack, film score and emotional quotient, but criticism for the direction, screenplay and predictable plot. The Times of India rated 3 out of 5, stating the film follows the regular template in its narration and changes track at a point, keeping in mind to reach all sections of audience. The plot also becomes predictable once the real story unfolds, but the lack of evident flaws make it a one-time watch entertainer. Behind Roots rated 3 out of 5, stating Vishwasam is packed with right commercial element to satisfy the family audience and Thala fans. The film companion rated 3 out of 5, stating a lot of mainstream filmmaking is about finding new ways to tell the same old story. With Vishwasam, Shiva does more. He justifies his star's faith in and perseverance with him. First Post rated 3 out of 5, stating Vishwasam has several moments worth paying a visit to the theater. The bang for the buck interval fight sequence in the rain is one of the highlights of the film. As a pair, Ajit and Shiva make a strong comeback with the film, which has its issues, but makes for quite an entertaining watch anyway. India Glitz rated 3 out of 5, stating Vishwasam is a Shiva Ajit combo's emotional Pongal treat for families. Sifi rated 3 out of 5, stating Ajit is endearing and is in tremendous form, that the actor looks super energetic as Thukudurai. Vishwasam is a pukka family entertainer for this Pongal festival. Go and enjoy with your family. India Today rated 2.5 out of 5 stars, stating after churning out an underwhelming spy thriller Vivegam, Ajit and director Siruthai Shiva go back to the rural route with Vishwasam, but the film does not do justice to expectations and is impressive only in parts, says our review. The News Minute rated 2 out of 5 stars, stating after touring
ईस्टर्न यूरोपियन विवेगम शिवा ब्रिंग्स अजीत बैक टू तमिलनाडु एंड इट प्रूव्स टू बी अ वाइस मूव. द हिंदू स्टेटेड द प्रॉब्लम विद द फिल्म इज दैट इट ऑफर्स वेरी लिटल फॉर अजीत. द स्टार हिंदुस्तान टाइम्स रेटेड 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स रिस्टेटिंग वेल द आइडिया वुड हैव बीन टू मेक ऑडियंस फील द मोमेंट ऑफ स्वीट विक्ट्री ऑल इट डज इट रूइन द पैलेट फॉर दोज हु एंजॉय अ गुड कमर्शियल फिल्म. डेक्कन क्रॉनिकल स्टेटेड there's nothing new by way of story. Shiva has made a movie that is all about a mega star, Thala Ajit. Cinema Express rated 2.5 out of 5 stars, stating, "Director Shiva's biggest achievement is giving us an Ajit who is having fun on screen after a long time, apart from which the film mainly works on surprise value." अजीत कुमार जन्म 1 मई 1971 एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं. आज तक उन्होंने 61 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनके पुरस्कारों में 4 विजय पुरस्कार, 3 सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल हैं. अपने अभिनय करियर के अलावा अजीत एक स्पोर्ट्स कार रेसर भी है और उन्हें MMA रेटिंग सीरीज 2010 में भाग लिया था. वह एक रेस कार ड्राइवर बन गया. भारत भर में मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे स्थानों में सर्किट में प्रतिस्पर्धों व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र और फार्मूला चैंपियनशिप में दौड़ लगाने वाले बहुत कम भारतीय में से एक हैं. भारतीय मशहूर हस्तियों की सालाना कई कमाई के आधार पर उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में 3 बार शामिल किया गया था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1990 के तमिल रोमांटिक ड्रामा एन विदु एन कनावर्क में एक छोटी सी भूमिका से की. उन्होंने खुद को काधल कोट्टरई 1996, अवल और वरुवाला 1998 और काधल मन्नन 1998 के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया और फिल्म अमर कलाम 1999 में से शुरुआत करके खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया. एस जे सूर्या की वैली 1999 में अजीत के जुड़वा भाइयों के दोहरे चित्रण जहां एक बहरा मुख है ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया. उन्होंने विजिलेंट फिल्म सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की. 2006 में उन्होंने वरलारू में अभिनय किया जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई. यह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का एक और फिल्मफेयर पुरस्कार मिला. अगले वर्ष उन्होंने 2 रीमेक किरीडम 2007 और बिल्ला 2007 में अभिनय किया. दोनों ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की. अजीत ने मन कथा 2011 में एक ईटी होरू की भूमिका निभाई जो अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई. उनकी अगली रिलीज बिल्ला 2 2012 तमिल सिनेमा वह उसे प्रस्ताव देती है कि जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है. वह शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं लेकिन निरंजना थुकुदुराई के झगड़ों में शामिल होने से परेशान हो है. जल्द ही वह गर्भवती हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है जिसे वह थुकुदुराई के लिए मना कर देती है. अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थुकुदुराई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है. उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में अयोध्यापन जो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है थुकुदुराई के साथ झगड़ा करता है. निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थुकुदुराई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण
बच्चा मर जाता है। आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निरंजना थुकुदुराई पर क्रोधित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने से के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर आ जाती है। फ्लैशबैक के बाद थुकुदुराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है, जो जूनियर नेशनल 100 मीटर खिताब के लिए दावेदार है। जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है। थुकुदुराई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चलता है चला कि प्रसिद्ध उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है, क्योंकि उनकी बेटी नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी। गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक है और हर चीज में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित वही हासिल करते थे। वह अपनी बेटी नेहा से भी यही उम्मीद करते हैं, जो श्वेता से मिलीसेकंड धीमी है। जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उससे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा, उसने डोपिंग का सहारा लिया, जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला, जिसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और स्नेह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले 10 दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करेगा। इसलिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करेगा इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में खुलासा नहीं करेगा, जिससे वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। वह कई मौक़ों पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है। थुकुदुराई बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है कि दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतियोगिता से पहले थुकुदुराई को एक कार ने कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है। फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थुकुदुराई ठीक हो जाता है। श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है। प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल हो थुकुदुराई से लड़ता है। जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थुकुदुराई श्वेता के पिता हैं, थुकुदुराई गौतम से लड़ता है, ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। श्वेता रेस जीत जाती है। श्वेता रेस जीत जाती है, जीत गई। उसी समय गौतम थुकुदुराई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुराई गौतम से कहते हैं कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं। श्वेता को विजेता घोषित किया गया। साथ ही निरंजना ने उसके नाम के साथ थुकुदुराई का नाम जोड़ा और वे थुकुदुराई के साथ फिर से जुड़ गई। थुकुदुराई के रूप में अजीत कुमार, नयनतारा निरंजना के रूप में थुकुदुराई की पत्नी, श्वेता थुकुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखा सुरेंद्रन, जगपति बाबू गौतम वीर के रूप में थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी, केशव के रूप में विवेक, थंबी रमैट रोशमी रोशमानी के रूप में रोबर शंकर, मेरिट के रूप में फिलोमिना के रूप में कोई सरला, योगी बाबू वेलू के रूप में नेहा के रूप में सलोनी उमेश बर्डे,
कलैरानी पेची अम्मल के रूप में थुकुदुराई की चाची के रूप में सुजाता सुकुमार, थुकुदुराई की चाची के रूप में रजीता, थुकुदुराई के चाची के रूप में आर एन आर मनोहर, थुकुदुराई की दादी के रूप में चेनी अम्मा, जंगीरी मधुमिला थुकुदुराई की चचेरी बहन के रूप में, थुकुदुराई की दोस्त के रूप में रमेश थीलक, थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण, थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण, श्वेता के कोच के रूप में भारत रेड्डी, गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकाश, अउदयप्पन के रूप में माइम गोपी, कोजी मुथु के रूप में ओक सुंदर, थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी नारायण लकिन, निरंजना के रूप सहयोगी प्रबंधक के रूप में निरंजना की सहकर्मी प्रिया के रूप में पापरी घोष, निरंजना की सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल, निरंजना के सहयोगी के रूप में टीएम कार्तिक, निरंजना की सहकर्मी के रूप में शर्मिला थापा, जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में, एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुराईराज, एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कोंडास्वामी, मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में, खादर के रूप में छत्रपति शेखर, थुकुदुराई के दोस्त कोजी मुथु के सहायक के रूप में संपत राम, एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश, डिसूजा एक पहलवान के रूप में रवि आवाना, एक कारपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसी, थुकुदुराई मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ, अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा नवंबर 2017 में अंत में स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी डॉट इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था। बतौर अभिनेता यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होगी। मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स से काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई। यह अंतर 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया। साउंडट्रैक एल्बम डी डॉट इमान द्वारा रचित है, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग है। बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म्स मरजावा के लिए कॉपी किया गया था, जिसका निर्देशन मिलाप मिलना जावेरी ने किया था और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में थे। विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत अभिनेता अभिनीत पेट्टा के साथ थाई पोगल त्यौहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट राइट सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ से अधिक, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक की कमाई की, ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने भारत में 2 दिनों में 33.50 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म का प्रदर्शन विशेष रूप से अजीत कुमार और जगपति बाबू, एक्शन दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक भागफल की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और पूर्वानुमानित
कथानक की आलोचना की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, फिल्म अपने वर्णन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है, लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने लायक मनोरंजक फिल्म बनाती है। बिहाइंड वुड्स ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक किया गया है। फिल्म कैंपेनियन ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, मुख्य धारा की बहुत सारी फिल्म निर्माता उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में है। विश्वासम के साथ शिव और अधिक करते हुए वह अपने स्टार के विश्वास और उसके प्रति दृढ़ता को सही ठहराते हुए पहला पद 5 में से 3 रेटिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है, विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है। बारिश में हिरन के लिए अंतराल लड़ाई का धमाकेदार दृश्य फिल्म के मुख्य आकर्षक में से एक है। एक जोड़ी के रूप में अजीत और शिवा ने फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी की है। फिल्म जिसके अपने मुद्दे के हैं, लेकिन फिर भी यह देखने में काफ़ी मनोरंजक है। इंडिया ग्लिट्स ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, विश्वासम शिव है अजीत कम्बो का परिवारों के लिए भावनात्मक पोंगल उपहार। सीफी ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, अजीत आकर्षक हैं और जबरदस्त फॉर्म में है। अभिनेता थुकू दुराई के रूप में सुपर ऊर्जावान दिखते हैं। विश्वासम इस पोंगल त्योहार के लिए एक पक्का पारिवारिक मनोरंजन है, जाए और अपने परिवार के साथ आनंद ले। इंडिया टुडे ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है, एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विवेगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक सिरुथाई शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मार्ग पर वापस जाते हैं, लेकिन फिल्म उम्मीदों के साथ न्याय नहीं करती है और केवल कुछ हिस्सों में प्रभावशाली है। हमारी समीक्षा कहती है, द न्यूज़ मिनट ने 5 में से 2 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, विवेगम में पूर्वी यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को तमिलनाडु वापस लाते हैं और यह एक बुद्धिमान कदम साबित होता है। द हिंदू ने कहा, फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत के लिए बहुत कम पेशकश करती है। हिंदुस्तान टाइम्स 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा गया, हालांकि दर्शकों को मधुर जीत के क्षण का एहसास कराना होता, लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए पैलेट को बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल्स ने कहा, हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है, शिव ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बड़े स्टार थाला अजीत के बारे में है। सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, निर्देशक शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है। इसके अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्य मूल्य पर काम करती है। विश्वासम इज इन 2019 इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शिवा। द फिल्म स्टार्स अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू एंड अनिखा सुरेंद्रन। प्रोड्यूस्ड बाय सत्य ज्योति फिल्म्स। द फिल्म वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन 20 नवंबर 2019 एंड प्रिंसिपल 2017 एंड प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगन इन मे 2018। द फिल्म वाज रिलीज्ड ऑन 10 जनवरी 2019 एंड परफॉर्म्ड वेल एट द बॉक्स ऑफिस। द फिल्म रिसीव्ड मिक्स रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स। डी डट इमान वोन बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अजीत कुमार एज थुकुदुरई,
नयनतारा एज निरंजना थुक्कुदुराई वाइफ, अनिखा सुरेंद्रन एज श्वेता थुक्कुदुराई एन निरंजना डॉटर, जगपति बाबू एज गौतम वीर थुक्कुदुराई राइवल, विवेक एज केशवन, थम्बी रमैया एज रोशमणि, रोबर शंकर एज मेरिट, कोवाई सरला एज फिलोमिना, योगी बाबू एज वेलू, सलोनी उमेश बुर्दे एज नेहम, कुलैरानी एज पेंसिया माल थुक्कुदुराई आंट, सुजाता शिव कुमार एज थुक्कुदुराई आंट, राजिता एज थुक्कुदुराई आंट, आर एन आर मनोहर एज थुक्कुदुराई अंकल, चिनियामा एज थुक्कुदुराई ग्रैंड मदर, जंगीरी मधुमिथा एज थुक्कुदुराई कजन, रमेश तिलक एज थुक्कुदुराई फ्रेंड, नमो नारायण एज थुक्कुदुराई फ्रेंड, भारत रेड्डी एज श्वेता कुश, सुरेखा वनी एज गौतम वाइफ, रवि प्रकाश एज गौतम पर्सनल असिस्टेंट, मैम गोपी मीमे गोपी एज आयुदयपन, ओ ए के सुंदर एज कोजियमुत्तु थुक्कुदुराई राइवल, नारायण लक्की एज निरंजनस कॉलीग मैनेजर, पपरी घोष एज प्रिया निरंजनस कॉलीग, साक्षी अग्रवाल एज निरंजनस कॉलीग, टी एम कार्तिक एज निरंजनस कॉलीग, शर्मिला थापा एज निरंजनस कॉलीग, जॉर्ज मारिया एज पुलिस इंस्पेक्टर, रामचंद्रन दुरैराज एज पुलिस कांस्टेबल, हेलो कंदस्वामी एज अ पुलिस कांस्टेबल, मिथ्यू वर्गीस एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, छत्रपति शेखर एज खाडर थुक्कुदुराई फ्रेंड, संपत राम एज खोजियामुत्तुस एड, मिसाई रमेश एज अ विलेजर, रवि अवाना डिसूजा एज डिसूजा अरेस्टलर, टेम्पर वामसी एज अ कॉर्पोरेट ऑफिशियल, साई सिद्धार्थ एज अ थुक्कुदुराई फ्रेंड, द कोलैबोरेशन बिटवीन सत्यज्योति फिल्म्स डायरेक्टर शिवा एंड एक्टर अजीत कुमार वॉज अनाउंस्ड व्यू द स्टूडियोज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इन लेट नवंबर 2017 आफ्टर मंथ ऑफ स्पेकुलेशन ऑन अजीत कुमार्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट। नयनतारा वॉज अनाउंस्ड एज द लीड एक्ट्रेस इन अर्ली फेब्रुवरी 2018। डी ईमान वॉज साइंड ऑन टू वर्क एज द फिल्म्स म्यूजिक कंपोजर विथ मार्केट हिज फर्स्ट कोलैबोरेशन विथ अजीत कुमार एंड शिवा। This will be Yogi Babu's 100th film as an actor. Principal photography was supposed to begin on 23rd March 2018, but was pushed back significantly to the Tamil Film Producers Council's strike. It eventually began on 7th May to 8th Hyderabad and wrapped in November 2018 and released for Pongal 2019. The soundtrack album is composed by D. Iman, making his first collaboration with Ajit Kumar and Shivam. The background music was copied for the Bollywood film Marzava, directed by Milap Milan Jhaveri and starring Siddharth Malhotra, Tara Sutaria and Ritesh Deshmukh in lead roles. Vishwasam was released on 10th January 2019, coinciding with the occasion of Thai Pongal festival along with Rajinikanth and starred Petta. The film was released on digital platform Amazon Prime Video on 25th February 2019. The satellite rights were sold to Sun Network. The film collected more than 15 crore in Tamil Nadu, 2 crore in Kerala, more than 1.5 crore in Karnataka, 1 crore in rest of India, more than 7 crore in overseas, and with a total of 25.4 crore in the first day. The film collected 33.50 crore in India in 2 days. The film collected 180 crore worldwide in 3 weeks. The film received mixed reviews praising the performances, particularly Ajit Kumar and Jagapati Babu. Action sequences, soundtrack, film score and emotional quotient, but criticism for the direction, screenplay and predictable plot. The Times of India rated 3 out of 5, stating the film follows the regular template in its narration and changes track at a point, keeping in mind to reach all sections of audience. The plot also becomes predictable once the real story unfolds, but the lack of evident flaws make it a one-time watch entertainer. Behind Roots rated 3 out of 5, stating Vishwasam is packed with right commercial element to satisfy the family audience and Thala fans. The film companion rated 3 out of 5, stating a lot of mainstream filmmaking is about finding new ways to tell the same old story with Vishwasam.
शिवा डज मोर, ही जस्टिफाइज ही स्टार्ट्स फेथ इन एंड परसिवरेंस विथ हिम। फर्स्ट पोस्टेड 3 out of 5 स्टेटिंग विश्वासम हैज सेवरल मोमेंट्स वर्थ पेइंग अ विजिट टू द थिएटर। द बैंग फॉर द बक इंटरवल फाइट सीक्वेंस इन द रेन इज वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म। एज अ पेयर अजीत एंड शिवा मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक विद द फिल्म विच हैज इट्स इशूज बट मेक्स वर्क क्विट एंड एंटरटेनिंग वॉच एनीवे। इंडिया ग्लिट्स रेटेड 3 out of 5 स्टेटिंग विश्वासम इज अ शिवा अजीत कॉम्बोज इमोशनल पोंगल ट्रीट फॉर फैमिलीज। सीफी रेटेड 3 out of 5 स्टेटिंग अजीत इज इंडरिंग एंड इज इन ट्रीमेंडस फॉर्म दैट द एक्टर लुक्स सुपर इनर्जेटिक एज थुकुदुरई। विश्वासम इज अ पुक्का फैमिली इंटरटेनर फॉर दिस पोंगल फेस्टिवल, गो एंड एंजॉय विथ योर फैमिली। इंडिया टुडे रेटेड 2.5 out of 5 स्टार स्टेटिंग आफ्टर टर्निंग आउट एन अंडरवेलमिंग स्पाई थ्रिलर विवेगम अजीत एंड डायरेक्टर सिरुथाई शिवा गो बैक टू द रूरल रूट विथ विश्वासम, बट द फिल्म डज नॉट डू जस्टिस टू एक्सपेक्टेशंस एंड इज इम्प्रेसिव ओनली इन पार्ट्स, सेज आवर रिव्यू। द न्यूज मिनट 2 out of 5 स्टार्स स्टेटिंग आफ्टर टूरिंग ईस्टर्न यूरोप इन विवेगम शिवा ब्रिंग्स अजीत बैक टू तमिलनाडु एंड इट प्रूव्स टू बी अ वाइज मूव। द हिंदू स्टेटेड द प्रॉब्लम विद द फिल्म इज दैट इट ऑफर्स वेरी लिटल फॉर अजीत। द स्टार हिंदुस्तान टाइम्स रेटेड 1.5 out of 5 स्टार्स रिस्टेटिंग वेल द आइडिया वुड हैव बीन टू मेक ऑडियंस फील द मोमेंट ऑफ स्वीट विक्ट्री, ऑल इट डज इट रूइन द पैलेट फॉर दोज हू एंजॉय अ गुड कमर्शियल फिल्म। डेक्कन क्रॉनिकल स्टेटेड there's nothing new by way of story. Shiva has made a movie that is all about a mega star, Thala Ajit. Cinema Express rated 2.5 out of 5 stars stating, director Shiva's biggest achievement is giving us an Ajit who is having fun on screen after a long time, apart from which the film mainly works on surprise value. अजीत कुमार जन्म 1 मई 1971 एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। आज तक उन्होंने 61 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनके पुरस्कारों में 4 विजय पुरस्कार, 3 सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 3 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। अपने अभिनय करियर के अलावा अजीत एक स्पोर्ट्स कार रेसर भी है और उन्हें MMA रेटिंग सीरीज 2010 में भाग लिया था। वह एक रेस कार ड्राइवर बन गया। भारत भर में मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे स्थानों में सर्किट में प्रतिस्पर्धों व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र और फार्मूला चैंपियनशिप में दौड़ लगाने वाले बहुत कम भारतीय में से एक हैं। भारतीय मशहूर हस्तियों की सालाना कई कमाई के आधार पर उन्हें फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में 3 बार शामिल किया गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1990 के तमिल रोमांटिक ड्रामा एन विदु एन कनावर्क में एक छोटी सी भूमिका से की। उन्होंने खुद को काधल कोट्टरई 1996, अवल और वरुवाला 1998 और काधल मन्नन 1998 के साथ एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया और फिल्म अमर कलाम 1999 में से शुरुआत करके खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। एस जे सूर्या की वैली 1999 में अजीत के जुड़वा भाइयों के दोहरे चित्रण जहां एक बहरा मुख है ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तमिल के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने विजिलेंट फिल्म सिटीजन 2001 में अपनी दोहरी भूमिकाओं के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। 2006 में उन्होंने वरलारू में अभिनय किया जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई। यह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता का एक और फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अगले वर्ष उन्होंने 2 रीमेक
किरीडम 2007 और बिल्ला 2007 में अभिनय किया। दोनों ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। अजीत ने मन कथा 2011 में एक ईटी होरू की भूमिका निभाई, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। उनकी अगली रिलीज बिल्ला 2 2012 तमिल सिनेमा की पहली प्रीक्वल थी। अजीत जर्मनी और मलेशिया सहित विभिन्न दौड़ों के लिए विदेश भी गए हैं। उन्होंने 2003 फार्मूला एशिया बीएमडब्ल्यू चैंपियनशिप में गाड़ी चलाई। उन्होंने 2010 फार्मूला 2 चैंपियनशिप में दो अन्य भारतीय अरमान इब्राहिम और पार्थिवा सुरेश्वरन के साथ दौड़ लगाई। अजीत कुमार का जन्म 1 मई 1971 को हुआ था। उनके पिता भी सुब्रमण्यम पलक्कन के केरल के मलयाली थे और उनकी माँ मेहनी कोलकाता पश्चिम बंगाल की सीधी है। अजीत 3 भाइयों में से मंझला बेटा था। दूसरे भाई थे अनूप कुमार एक निवेशक और अनिल कुमार एक आईआईटी मद्रास स्नातक में उद्यमी बने। बच्चा मर जाता है। आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निरंजना थुकुदुराई पर क्रोधित हो जाती है और उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर आ जाती है। फ्लैशबैक के बाद थुकुदुराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है, जो जूनियर नेशनल 100 मीटर खिताब के लिए दावेदार है। जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है। थुकुदुराई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चला कि प्रसिद्ध उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है, क्योंकि उनकी बेटी नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी। गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक है और हर चीज़ में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित वही हासिल करते थे। वह अपनी बेटी नेहा से भी यही उम्मीद करते हैं, जो श्वेता से मिलीसेकंड धीमी है। जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उससे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा, उसने डोपिंग का सहारा लिया, जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला, जिसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और स्नेह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले 10 दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करेगा। इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में खुलासा नहीं करेगा, जिससे वह अनिश्चय से सहमत हो जाती है। वह कई मौक़ों पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है। थुकुदुराई बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है कि दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतियोगिता से पहले थुकुदुराई को एक कार ने कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है। फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थुकुदुराई ठीक हो जाता है। श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है। प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थुकुदुराई से लड़ता है। जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थुकुदुराई श्वेता के पिता हैं, थुकुदुराई गौतम से
लड़ता है, ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। श्वेता रेस जीत जाती है, श्वेता रेस जीत जाती है, जीत गई। उसी समय गौतम थुकु दुराई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकु दुराई गौतम से कहते हैं कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं। श्वेता को विजेता घोषित किया गया, साथ ही निरंजना ने उसके नाम के साथ थुकु दुराई का नाम जोड़ा और वे थुकु दुराई के साथ फिर से जुड़ गई। थुकु दुराई के रूप में अजीत कुमार, नयनतारा निरंजना के रूप में थुकु दुराई की पत्नी, श्वेता थुकु दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनीखा सुरेंद्रन, जगपति बाबू गौतम वीर के रूप में थुकु दुराई के प्रतिद्वंदी, केशव के रूप में विवेक, थम्बी रमैट रोशमी रोशमानी के रूप में रोबर शंकर, मेरिट के रूप में फिलोमिना के रूप में कोई सरला, योगी बाबू वेलू के रूप में नेहा के रूप में सलोनी उमेश बर्डे, कलैरानी पेची अम्मल के रूप में थुकु दुराई की चाची के रूप में सुजाता शिवकुमार, थुकु दुराई की चाची के रूप में रजीता, थुकु दुराई के चाची के रूप में आर एन आर मनोहर, थुकु दुराई की दादी के रूप में चेनी अम्मा, जंगीरी मधुमिला, थुकु दुराई की चचेरी बहन के रूप में, थुकु दुराई की दोस्त के रूप में रमेश थीलक, थुकु दुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण, थुकु दुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण, श्वेता के कोच के रूप में भारत वरेड्डी, गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकाश, अवुदयप्पन के रूप में माइम माइम गोपी, कोजी मुथु के रूप में ओक सुंदर, थुकुदुराई के प्रतिद्वंदी नारायण लकिन, निरंजना के रूप सहयोगी प्रबंधक के रूप में निरंजना की सहकर्मी प्रिया के रूप में पापरी घोष, निरंजना की सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल, निरंजना के सहयोगी के रूप में टीएम कार्तिक, निरंजना के सहकर्मी के रूप में शर्मिला थापा, जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में, एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुराई राज, एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कोंडा सामी, मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में, खादर के रूप में छत्रपति शेखर, थुकु दुराई के दोस्त कोजी मुथु के सहायक के रूप में संपत राम, एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश, डिसूजा एक पहलवान के रूप में रवि आवाना, एक कारपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसी, थुकु दुराई मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ, अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवाक और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा नवंबर 2017 में अंत में स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी डॉट इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था। बतौर अभिनेता यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होगी। मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स से काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई। यह अंतर 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया। साउंडट्रैक एल्बम डी डॉट इमान द्वारा रचित है, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग है। बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म्स मरजावा के लिए काफ़ी कॉपी किया गया था,
जिसका निर्देशन मिलाप मिलना जावेरी ने किया था, और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में थे। विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को रजनीकांत अभिनेता अभिनीत पेट्टा के साथ थाई पोंगल त्योहार के अवसर पर रिलीज किया गया था। यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सैटेलाइट राइट से सन नेटवर्क्स को बेचे गए थे। फिल्म ने तमिलनाडु में 15 करोड़, केरल में 2 करोड़, कर्नाटक में 1.5 करोड़ से अधिक, शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक की कमाई की। ओवरसीज में 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25.4 करोड़ के साथ फिल्म ने भारत में 2 दिनों में 33.50 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म को प्रदर्शन विशेष रूप से अजीत कुमार और जगपति बाबू, एक्शन दृश्यों, साउंडट्रैक, फिल्म के स्कोर और भावनात्मक भागफल की प्रशंसा करते हुए मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन निर्देशन, पटकथा और पूर्वानुमानित कथानक की आलोचना की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, फिल्म अपने वर्णन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने के बाद कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है, लेकिन स्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने लायक मनोरंजक फिल्म बनाती है। बिहाइंड वुड्स ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए सही व्यावसायिक तत्वों के साथ पैक किया गया है। फिल्म कंपेनियन ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, मुख्य धारा की बहुत सारी फिल्म निर्माता उसी पुरानी कहानी को बताने के नए तरीके खोजने के बारे में हैं। विश्वासम के साथ शिव और अधिक करते हुए वह इस अपने स्टार के विश्वास और उसके प्रति दृढ़ता को सही ठहराते हुए पहला पद 5 में से 3 रेटिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है, विश्वासम के पास थिएटर में जाने लायक कई पल है। बारिश में हिरन के लिए अंतराल लड़ाई का धमाकेदार दृश्य फिल्म के मुख्य आकर्षक में से एक है। एक जोड़ी के रूप में अजीत और शिवा ने फिल्म के साथ एक मजबूत वापसी की है। फिल्म जिसके अपने मुद्दे के हैं, लेकिन फिर भी यह देखने में काफ़ी मनोरंजक है। इंडिया ग्लिट्स ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, विश्वासम शिव है अजीत कॉम्बो का परिवारों के लिए भावनात्मक पोंगल उपहार। सीफी ने 5 में से 3 रेटिंग देते हुए कहा, अजीत आकर्षक है और जबरदस्त फॉर्म में है। अभिनेता थुकु दुराई के रूप में सुपर ऊर्जावान दिखते हैं। विश्वासम इस पोंगल त्योहार के लिए एक पक्का पारिवारिक मनोरंजन है, जाए और अपने परिवार के साथ आनंद ले। इंडिया टुडे ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है, एक जबरदस्त जासूसी थ्रिलर विवेगम का मंथन करने के बाद अजीत और निर्देशक सिरु थाई शिवा विश्वासम के साथ ग्रामीण मार्ग पर वापस जाते हैं, लेकिन फिल्म उम्मीदों के साथ न्याय नहीं करती है और केवल कुछ हिस्सों में प्रभावशाली है। हमारी समीक्षा कहती है, द न्यूज़ मिनट ने 5 में से 2 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, विवेगम में पूर्वी यूरोप का दौरा करने के बाद शिव अजीत को तमिलनाडु वापस लाते हैं और यह एक बुद्धिमान कदम साबित होता है। द हिंदू ने कहा, फिल्म के साथ समस्या यह है कि यह स्टार अजीत के लिए बहुत कम पेशकश करती है। हिंदुस्तान टाइम्स 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा गया, हालांकि विचार दर्शकों को मधुर जीत के क्षण का एहसास कराना होता, लेकिन इसका मतलब उन लोगों के लिए
पैलेट को बर्बाद करना है जो एक अच्छी व्यावसायिक फिल्म का आनंद लेते हैं, डेक्कन क्रॉनिकल्स ने कहा। हालांकि कहानी के मामले में कुछ भी नया नहीं है, शिव ने एक ही ऐसी फिल्म बनाई है जो एक बड़े स्टार थालाज अजीत के बारे में है। सिनेमा एक्सप्रेस ने 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, निर्देशक शिवा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें एक अजीत देना है जो लंबे समय के बाद स्क्रीन पर मनोरंजन कर रहा है। इसके अलावा फिल्म मुख्य रूप से आश्चर्य मूल्य पर काम करती है। विश्वासम इज इन 2019 इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शिवा। द फिल्म स्टार्स अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू एंड अनिखा सुरेंद्रन। प्रोड्यूस्ड बाय सत्यज्योति फिल्म्स। द फिल्म वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन 20 नवंबर 2019 एंड प्रिंसिपल 2017 एंड प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगन इन मई 2018। द फिल्म वाज रिलीज्ड ऑन 10 जनवरी 2019 एंड परफॉर्म्ड वेल एट द बॉक्स ऑफिस। द फिल्म रिसीव्ड मिक्स रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स। डी डट इमान वोन बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अजीत कुमार एज थुक्कुदुरई, नयनतारा एज निरंजना थुक्कुदुरई वाइफ, अनिखा सुरेंद्रन एज श्वेता थुक्कुदुरई एंड निरंजना डॉटर, जगपति बाबू एज गौतम वीर थुक्कुदुरई राइवल, विवेक एज केशवन, थम्बी रमैया एज रोशमणि, रोबर शंकर एज मेरिट, कोवाई सरला एज फिलोमिना, योगी बाबू एज वेलू, सलोनी उमेश बुर्दे एज नेहा, कुलैरानी एज पेंसिया माल थुक्कुदुरई आंट, सुजाता शिव कुमार एज थुक्कुदुरई आंट, राजिता एज थुक्कुदुरई आंट, आर एन आर मनोहर एज थुक्कुदुरई अंकल, चिनियामा एज थुक्कुदुरई ग्रैंड मदर, जंगीरी मधुमिथा एज थुक्कुदुरई कौशन कौजन, रमेश तिलक एज थुक्कुदुरई फ्रेंड, नमो नारायण एज थुक्कुदुरई फ्रेंड, भारत रेड्डी एज श्वेता कुश, सुरेखा वनी एज गौतम वाइफ, रवि प्रकाश एज गौतम पर्सनल असिस्टेंट, मीमे गोपी एज आयुदयपन, ओ ए के सुंदर एज कोजियमुत्तु थुक्कुदुरई राइवल, नारायण लक्की एज निरंजनस कॉलीग मैनेजर, पपरी घोष एज प्रिया निरंजनस कॉलीग, साक्षी अग्रवाल एज निरंजनस कॉलीग, टी एम कार्तिक एज निरंजनस कॉलीग, शर्मिला थापा एज निरंजनस कॉलीग, जॉर्ज मारिया एज पुलिस इंस्पेक्टर, रामचंद्रन दुरई राज एज पुलिस कांस्टेबल, हेलो कंदस्वामी एज अ पुलिस कांस्टेबल, मिथ्यू वर्गीस एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, छत्रपति शेखर एज खाडर थुक्कुदुरई फ्रेंड, संपत राम एज खोजियामुत्तुस एड, मिसाई रमेश एज अ विलेजर, रवि अवाना डिसूजा एज डिसूजाज अरेस्टलर, टेम्पर वामसी एज अ कॉर्पोरेट ऑफिशियल, साई सिद्धार्थ एज अ थुक्कुदुरई फ्रेंड। द कोलैबोरेशन बिटवीन सत्यज्योति फिल्म्स डायरेक्टर शिवा एंड एक्टर अजीत कुमार वॉज अनाउंस्ड व्यू द स्टूडियोज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इन लेट नवंबर 2017। आफ्टर मंथ ऑफ स्पेकुलेशन ऑन अजीत कुमार्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नयनतारा वॉज अनाउंस्ड एज द लीड एक्ट्रेस इन अर्ली फेब्रुअरी 2018। डी ईमान वॉज साइंड ऑन टू वर्क एज द फिल्म्स म्यूजिक कंपोजर विथ मार्केट हिज फर्स्ट कोलैबोरेशन विथ अजीत कुमार एंड शिवा। दिस विल बी योगी बाबूज 100th फिल्म एज एन एक्टर। प्रिंसिपल फोटोग्राफी वॉज सपोज टू बिगेन ऑन 23rd March 2018 बट वॉज पुश्ड बैक सिग्निफिकेंटली टू द तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल्स स्ट्राइक। इट इवेंचुअली बिगेन ऑन 7th May 2018 हैदराबाद एंड रैपिड इन November 2018 एंड रिलीज फॉर पोंगल 2019। द साउंड ट्रैक एल्बम इज कम्पोज बाई डी इमान, मेकिंग हिज फर्स्ट कोलैबोरेशन विद अजीत कुमार एंड शिवा। द बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज कॉपीड फॉर द बॉलीवुड फिल्म मर्जावा, डायरेक्टेड बाई मिलाप मिलन जावेरी एंड स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया एंड रितेश देशमुख इन लीड रोल्स। विश्वासम वॉज रिलीज ऑन 10th January 2019 कोइंसिडिंग विद द ओकेजन ऑफ थाई पोंगल फेस्टिवल अलॉन्ग विद रजनीकांत एंड स्टारर पेट्टा। द फिल्म वॉज रिलीज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ऑन 25th February 2019। द सेटेलाइट राइट्स वेर सोल्ड टू सन नेटवर्क। द फिल्म कलेक्टेड मोर देन 15 करोड़
इन तमिलनाडु, 2 करोड़ इन केरला, मोर देन 1.5 करोड़ इन कर्नाटक, 1 करोड़ इन रेस्ट ऑफ इंडिया, मोर देन 7 करोड़ इन ओवरसीज एंड विथ अ टोटल ऑफ 25.4 करोड़ इन फर्स्ट डे. द फिल्म कलेक्टेड 33.50 करोड़ इन इंडिया इन 2 डेज. द फिल्म कलेक्टेड 180 करोड़ वर्ल्ड वाइड इन 3 वीक्स. द फिल्म रिसीव्ड मिक्सड रिव्यूज प्रेजिंग द परफॉर्मेंसेज, पार्टिकुलरली अजीत कुमार एंड जगपति बाबू. एक्शन सिक्वेंस एंड साउंड ट्रैक, फिल्म स्कोर एंड इमोशनल स्क्वेश एंड बट क्रिटिसिजम फॉर द डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले एंड प्रेडिक्टेबल प्लॉट. द टाइम्स ऑफ इंडिया रेटेड 3 out of 5 स्टेटिंग द फिल्म फॉलोज द रेगुलर टेम्पलेट इन इट्स नरेशन एंड चेंजेस ट्रैक एट अ पॉइंट, कीपिंग इन अ माइंड टू रीच ऑल सेक्शन ऑफ ऑडियंस. द प्लॉट ऑल्सो बिकम्स प्रेडिक्टेबल वंस द रियल स्टोरी अनफोल्ड्स, बट द लेक ऑफ एविडेंट फ्लोज मेक इट अ वन टाइम वॉच इंटरटेनर. बिहाइंड इट्स रेटेड 3 out of 5 स्टेटिंग विश्वासम इज पैकेड विथ राइट कमर्शियल एलिमेंट टू सेटिस्फाई द फैमिली ऑडियंस एंड थाला फैंस. द फिल्म कंपेनियन रेटेड 3 out of 5 स्टेटिंग अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम फिल्म मेकिंग इज अबाउट फाइंडिंग न्यू वेज टू टेल द सेम ओल्ड स्टोरी विथ विश्वासम. Shiva does more, he justifies his star's faith in and perseverance with him. First post rated 3 out of 5 stating Vishwasam has several moments worth paying a visit to the theater. The bang for the buck interval fight sequence in the rain is one of the highlights of the film. As a pair, Ajit and Shiva make a strong comeback with the film, which has its issues, but makes work quite an entertaining watch anyway. India Glitz rated 3 out of 5 stating Vishwasam is a Shiva Ajit combo's emotional pongal treat for families. Sifi rated 3 out of 5 stating Ajit is endearing and is in tremendous form, that the actor looks super energetic as Thukudurai. Vishwasam is a pukka family entertainer for this pongal festival. Go and enjoy with your family. India Today rated 2.5 out of 5 stars stating after churning out an underwhelming spy thriller Vivegam, Ajit and director Siruthai Shiva go back to the rural route with Vishwasam, but the film does not do justice to expectations and is impressive only in parts, says our review. The News Minute rated 2 out of 5 stars stating after touring Eastern Europe in Vivegam, Shiva brings Ajit back to Tamil Nadu and it proves to be a wise move. The Hindu stated the problem with the film is that it offers very little for Ajit, the star. Hindustan Times rated 1.5 out of 5 stars restating, while the idea would have been to make audience feel the moment of sweet victory, all it does is ruin the palate for those who enjoy a good commercial film. Deccan Chronicle stated, there's nothing new by way of story. Shiva has made a movie that is all about a mass star, Thala Ajit. Cinema Express rated 2.5 out of 5 stars stating Niranjana ko railway station par na paakar Thukudurai use ghar par paata hai aur ladai ke dauran ghayal hone ke karan bachcha mar jata hai. आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निरंजना थुकुदुराई पर क्रोधित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है. वह गांव छोड़कर शहर आ जाती है. फ्लैशबैक के बाद थुकुदुराई निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है, जो जूनियर नेशनल 100 मीटर खिताब के लिए दावेदार है. जब श्वेता को मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है. थुकुदुराई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है. तब यह पता चला कि प्रसिद्ध उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है, क्योंकि उनकी बेटी नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी. गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के
मालिक है और हर चीज़ में प्रथम स्थान की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित वही हासिल करते थे। वह अपनी बेटी नेहा से भी यही उम्मीद करते हैं, जो श्वेता से मिलीसेकंड धीमी है। जब गौतम ने नेहा को धमकी दी कि अगर वह हार गई तो उससे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा, उसने डोपिंग का सहारा लिया जो उसे दौड़ जीतने में मदद करता है। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला, जिसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और स्नेह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपाहिज हो गई। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुराई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले 10 दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करेगा। इसलिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करेगा इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में खुलासा नहीं करेगा, जिससे वह अनिश्चय से सहमत हो जाती है। वह कई मौक़ों पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है। थुकुदुराई बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है कि दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतियोगिता से पहले थुकुदुराई को एक कार ने कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है। फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थुकुदुराई ठीक हो जाता है। श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है। प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थुकुदुराई से लड़ता है। जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थुकुदुराई श्वेता के पिता है, थुकुदुराई गौतम से लड़ता है, ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। श्वेता रेस जीत जाती है, जीत गई। उसी समय गौतम थुकुदुराई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुराई गौतम से कहते हैं कि बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता-पिता क्या चाहते हैं। श्वेता को विजेता घोषित किया गया। साथ ही निरंजना ने उसके नाम के साथ थुकुदुराई का नाम जोड़ा और वे थुकुदुराई के साथ फिर से जुड़ गई। थुकुदुराई के रूप में अजीत कुमार, नयनतारा निरंजना के रूप में थुकुदुराई की पत्नी, श्वेता थुकुदुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनीखा सुरेंद्रन, जगपति बाबू गौतम वीर के रूप में थुकुदुराई के प्रतिद्वंद्वी, केशव के रूप में विवेक, थंबी रमेट रोशमी रोशमानी के रूप में रोबर शंकर, मेरिट के रूप में फिलोमिना के रूप में कोई सरला, योगी बाबू वेलू के रूप में नेहा के रूप में सलोनी उमेश बर्डे, कलैरानी पेची अम्मल के रूप में थुकुदुराई की चाची के रूप में सुजाता शिवकुमार, थुकुदुराई की चाची के रूप में रजीता, थुकुदुराई की चाची के रूप में आर एन आर मनोहर, थुकुदुराई की दादी के रूप में चेनी अम्मा, जंगीरी मधुमिला, थुकुदुराई की चचेरी बहन के रूप में, थुकुदुराई की दोस्त के रूप में रमेश थीलक, थुकुदुराई के पितर के रूप मित्र के रूप में नमो नारायण, थुकुदुराई के मित्र के रूप में नमो नारायण, श्वेता के कोच के रूप में भरत रेड्डी, गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकाश, अवुदयप्पन के रूप में माइम माइम गोपी, कोजी मुथु के रूप में ओक सुंदर, थुकुदुराई के प्रतिद्वंद्वी नारायण लकिन, निरंजना के रूप सहयोगी प्रबंधक के रूप में निरंजना की सहकर्मी प्रिया के रूप में पापरी घोष, निरंजना की सहकर्मी के रूप में साक्षी अग्रवाल,
निरंजना के सहयोगी के रूप में टीएम कार्तिक, निरंजना के सहकर्मी के रूप में शर्मिला थापा, जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में, एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुरईराज, एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में नमस्ते कोंडासामी, मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में, खादर के रूप में छत्रपति शेखर थुगुदुराई के दोस्त, कोसी मुथु के सहायक के रूप में संपत राम, एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश, डिसूजा एक पहलवान के रूप में रवि आवाना, एक कारपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसी, थुकुदराई मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ, अजीत कुमार के अगले प्रोजेक्ट पर महीनों की अटकलों के बाद सत्यज्योति फिल्म्स निर्देशक शिवा और अभिनेता अजीत कुमार के बीच सहयोग की घोषणा नवंबर 2017 में अंत में स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई थी। फरवरी 2018 की शुरुआत में नयनतारा को मुख्य अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। डी डॉट इमान को फिल्म के संगीतकार के रूप में काम करने के लिए साइन किया गया था, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग था। बतौर अभिनेता यह योगी बाबू की 100वीं फिल्म होगी। मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी, लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स से काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई। यह अंतर 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए जारी किया गया। साउंडट्रैक एल्बम डी डॉट इमान द्वारा रचित है, जो अजीत कुमार और शिवा के साथ उनका पहला सहयोग है। बैकग्राउंड म्यूजिक को बॉलीवुड फिल्म्स मरजावा के लिए काफ़ी